नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आराधनास कुकिंग शो में। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे केले का रायता। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर ये आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच तेल, आधा कप दही फेंटा हुआ, 3 छोटे आकार के कच्चे केले लिए थे मैंने, जिन्हें मैंने कुकर में उबाल लिया है और फिर छील लिया है, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 छोटा चम्मच राई या फिर सरसों के दाने, 1/2 छोटा चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, 1/2 छोटा चम्मच चने की दाल, 1 चुटकी हल्दी, 4 से 5 करी पत्ता और 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। सबसे पहले हम उबाले हुए केलों को किसी फोर्क की सहायता से मैश कर लेंगे। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, इसमें छोटे छोटे से चंक्स होने चाहिए केले के। हमारे केले मैश हो गए हैं। अब हम इन केलों को दही में डाल देंगे। और केले डालने के साथ ही हम इसमें बाकी चीज़ें भी डालेंगे। सबसे पहले हम लहसुन, कटी हुई हरी मिर्च, नींबू का रस, अगर आपकी दही खट्टी हो तो आप नींबू का रस अवॉइड कर सकते हैं, और नमक डाल देंगे। और फिर हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे। अगर आपके केले के चंक्स थोड़े बड़े रह गए हों तो आप उन्हें फोर्क से मैश कर दें। अब हम केले के रायते का तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक पैन में 1 छोटा चम्मच तेल गरम कर लेंगे और तेल में हम सरसों डाल देंगे। जैसे ही सरसों चटक जाएगी हम तेल में करी पत्ता डाल देंगे और साथ में ही हम चने की दाल भी डाल देंगे और इन दोनों को हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। चने की दाल जब हल्की सी पक जाएगी हमारी, फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी। और हल्दी डालने के बाद हम गैस की आंच बंद कर देंगे और फिर हम इस तैयार किए गए तड़के को अपने केले के रायते में डाल देंगे। और तड़का डालने के बाद हम इसे रायते में अच्छी तरह से मिला देंगे और हमारा टेस्टी रायता तैयार है सर्व करने के लिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।